नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बीते दिनों चोटिल हो गए थे और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद मोहाली के अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें 21 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। और अब विज को डॉक्टरों ने पूरी तरह से लगभग 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी है। लेकिन आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से जब उनके निवास पर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम मिलने पहुंची तो हमने देखा कि विज अपने बेड से ही पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। विज हमें इस दौरान अपने लैपटॉप से प्रदेश की गतिविधियों पर नजर रखते दिखाई दिए। तो हमने विज से सवाल किया तो विज ने बताया कि वह आराम के साथ साथ अपना दायित्व भी पूरी तरह से निभा रहे हैं। इस मौके पर हमने विज से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा की तो विज ने बताया कि उन्होंने किस तरह से प्रदेश में अपने बेड से ही अब आदेश देने शुरू कर दिए हैं और क्या कुछ तैयारियां कोरोना के खिलाफ अब हरियाणा में की जा रही हैं। आइए तो आपको सुनवाते हैं कि बेड से किस तरह प्रदेश में कोरोना पर और अन्य हालातों पर अनिल विज नजर रखे हुए हैं। और आप घर से भी जो है वो कमांड संभाल रहे हैं अपने तीनों विभागों की? नहीं, आराम भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। सारी जानकारी ले रहे हैं, रिपोर्ट्स आप ले रहे हैं, अधिकारी मिलने आ रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि आराम भी पूरा कर रहा हूँ और मैं अपनी जो दायित्व है उसको भी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस 10,000 में से 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं, और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। हमने सारों की व्यवस्था की है और बकायदा मैंने जो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी हमने सर्विसेज ली हैं, उनको भी हम ड्यूटी देने जा रहे हैं। नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनको भी हम इसमें लगा रहे हैं। लगभग 1100 तो MBBS के स्टूडेंट हैं जिनको हमने हर जिले में उनकी ड्यूटियां लगा दी हैं कि वो हर जिले में सहायक भूमिका में काम करेंगे। जैसे सर्वे कराना है, सैंपलिंग लेनी है, या जोन्स बना रखे हैं जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनकी निगरानी है, ऐसे कामों में वो स्वास्थ्य विभाग की सहायता करेंगे। उसी प्रकार से आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी मैंने आदेश दिया है कि वो भी CMO को रिपोर्ट करें और आवश्यकता हो तो उनकी भी इन चीज़ों के लिए सर्विस ली जा सकती है, ताकि डॉक्टर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है, जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है उसको कम किया जा सके और डॉक्टर बकायदा कोरोना पीड़ितों और मरीजों की तरफ ध्यान दे सकें और उनको ग्राउंड वर्क करने से उनको थोड़ा सा रिलीफ दिलाया जा सके। देश में इन दिनों भारत और चीन की सीमा का मुद्दा काफी गंभीरता से चल रहा है। इस मुद्दे पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को नसीहत दी थी। इस मामले पर आज अनिल विज मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाने की नसीहत दी है। मोदी जी के कहने में पूर्ण स्पष्टता है, पूरी ताकत के साथ, डंके की चोट के साथ उन्होंने अपनी बात कही है। अब कुछ लोगों के समझने में अगर भ्रामकता है तो उनको अपने आप को ठीक करना चाहिए। वहीं चाइना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। इस मामले पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड व्यक्ति है और वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं ये बात समझ से परे है। विज ने कहा कि अब राहुल गांधी सरेंडर कह रहे थे या सुरेंद्र यानी के देवताओं का राजा की बात कर रहे थे ये समझना मुश्किल है। विज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की बातें नहीं सुननी चाहिए।
सब राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने सुरेंद्र कहा है या सुरेंद्र कहा है। सुरेंद्र तो यानी देवताओं का भी राजा इंद्र, वो कह रहे हैं, तो वो अपने आप में एक कंफ्यूज्ड आदमी है, उसको बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब अपने बेड से ही कमान संभाल ली है, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है और कोरोना के खिलाफ जो तीन मुख्य विभाग हैं, चाहे उसमें हरियाणा पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शहरी स्थानीय विभाग, ये तीनों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास हैं। और ऐसे में विज एक बार फिर अपनी फॉर्म में है, लेकिन वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर है। ऐसे में देखना ये होगा कि विज अब किस तरह से कोरोना पर लगाम कसते हैं और किस तरह से अन्य विभागों की जो देख रेख है वो करते हैं। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।